नमस्कार, मैं हूं मुस्कान नागदा। आप देख रहे हैं आठ इंडिया न्यूज। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया द्वारा द कश्मीर फाइल फिल्म को दिखाए जाने को लेकर एसडीपीआई के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपकर विरोध दर्ज कराया है। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष अदिल शिवानी ने कहा कि ये फिल्म देश में नफरत फैलाने और उससे कट्टरवादी मानसिकता रखने वाली बीजेपी सरकार ने वोटों के ध्रुवीकरण के उद्देश्य से प्रसारित करने का घिनौना खेल खेल रही है। ये बीजेपी का पॉलिटिकल स्टंट मात्र है। इस तरह की फिल्मों से देश के लोकतंत्र और भाईचारे को खतरा है। तत्काल प्रभाव से इस फिल्म पर रोक लगानी चाहिए। इस अवसर पर प्रदेश सचिव आरिफ खान, जिला महासचिव हारिश खान, उपाध्यक्ष रहीस खान, सचिव साबिर खान, जिला मीडिया प्रभारी आदिल कुरैशी, हाफिज समुद्दीन, शाकिर खान, इमरोज खान, जुल्फीकार कुरैशी, मोहम्मद आरिफ व अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदिल शिवानी है, एसडीपीआई का जिलाध्यक्ष हूँ यहाँ। आपके द्वारा भी ये ज्ञापन दिया गया है, क्या कुछ मांगा? हेलो श्रीमान, आप देख रहे हैं जिस तरह से द कश्मीर फाइल मूवी अभी 11 मार्च को रिलीज़ करके सिनेमा घरों में फ्री ऑफ कॉस्ट दिखाई जा रही है। उसमें युवाओं को प्रलोभन भी दिया जा रहा है कि नाश्ता चाय ऐसी सारी चीज़ें फ्री करके। आप देख रहे हैं खुद ही कि उसके रुझान सामने आने लगे हैं। सिर्फ और सिर्फ भाजपा का ये राजनीतिक स्टंट है। देखिए, जिस वक्त ये कश्मीर में मामला हुआ, वो मामला कश्मीर में बेनज़ीर भुट्टो सरकार पाकिस्तान में जो बैठी थी, उसने इस मामले को भुनाया और लोगों के ऊपर अत्याचार किया, उनके आतंकवादी अलगाववादियों ने, जिसमें कश्मीरी पंडित ही नहीं बल्कि मुस्लिम और सिख भी बेघर हुए और उन्हें पलायन करना पड़ा और कईयों की मौत हुई। लेकिन इस फिल्म में सिर्फ एक ही पक्ष को दिखाया गया है, जिसमें ये साफ तौर पर है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान से नफरत नहीं बल्कि भारत के मूल निवासी मुस्लिम समाज से हिंदुओं में नफरत पैदा की जा रही है। इस फिल्म का एकमात्र उद्देश्य है, जिसके जरिए से भारतीय जनता पार्टी अपना वोट बैंक मजबूत करने की राजनीति कर रही है, जो कि अशोभनीय, असंवैधानिक है। हम तत्काल प्रभाव से सरकार से मांग करते हैं, बड़ी सम्मान के साथ में, कि इस देश को बचाने में वो हमारा सहयोग करे, इन नफरतों को ख़त्म करने में वो हमारा पूरी तरह से मदद करे और ऐसी फिल्मों को आइंदा कभी रिलीज़ ना किया जाए और प्रतिबंधित किया जाए। जैसा कि फिल्म में बताया गया है कि कश्मीरी पंडितों का उसमें उत्पीड़न हुआ है, इसको लेकर आप लगे? बिल्कुल हुआ है, हमें उसका अफसोस है। कश्मीरी पंडितों का ही नहीं बल्कि वहाँ पर उनसे ज़्यादा तादाद में मुस्लिम और सिखों का भी उत्पीड़न हुआ, जो आज तक दिल्ली में अप्रवासी बने हुए हैं। ये आप मैं उस पर संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और ये कहूंगा कि देखिए, जिस वक्त ये सब हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी और राज्यपाल शासन था, उसके बावजूद अटल जी की सरकार रही, इसके बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार निरंतर सत्ता में है, उनके विस्थापन के लिए कुछ गवर्नमेंट करे जब तो बात बने, लेकिन यहाँ सिर्फ राजनीति मकसद है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है।